दोस्तों नमस्कार, आप हेल्थ टॉक पर यह वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वजन कम करने के उपायों के बारे में। देखिए, आज के समय में मोटापा कई बीमारियों का मुख्य कारण बन रहा है, जैसे कि हृदय रोग हो गया, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लीवर के आसपास फैट जमा होना यानी फैटी लीवर बन जाना, और पाचन तंत्र संबंधी रोग। इसके अलावा सेक्सुअल जो डिजीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण एक तो डिप्रेशन है, साथ में समाज में जो अकेलापन हो गया है वो भी इसका मुख्य कारण कहा जा सकता है। मोटापा कई कारणों से हो सकता है, जैसे बिना समय खाना खाना, ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खा लेना, जंक फूड का सेवन कर लेना, और शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं होना, और हार्मोन्स की अनियमितता। तो वजन कम करने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप अपने आहार में बदलाव करें। बीमारियों से बचने और वजन कम करने या स्वस्थ वजन के लिए सबसे पहले आपको अपने आहार में ही परिवर्तन लाना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, संतुलित आहार लेना शुरू करना होगा। किसी भी समय आप भोजन को छोड़े नहीं, समय पर भोजन करें, और अपने भोजन को 2-3 भागों में बांट सकते हैं। इसके अलावा दिन की शुरुआत आप नींबू पानी या फिर जीरा पानी से कर सकते हैं, या फिर भीगे हुए बादाम और अखरोट के साथ भी कर सकते हैं। सुबह के नाश्ते में प्रोटीन वाली चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि काले चने या काबुली चने की चाट ले सकते हैं, बेसन या मिक्स दाल का चीला ले सकते हैं, और पनीर का सैंडविच भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोपहर के खाने और रात के खाने में ध्यान रखें कि आपकी थाली का 1/4 हिस्सा अनाज से भरा हुआ हो और 1/4 प्रोटीन वाली चीज़ों से, बाकी आधे हिस्से में सब्जियां भरी हुई हों, और साइड में 1 कटोरी दही या फिर दूध ले सकते हैं। ज़्यादा भूख लगती हो तो सलाद भी आप ले सकते हैं। अब दिन के जो छोटे आहार हैं उसमें आप फल खाएं, भुने हुए कद्दू के बीज ले सकते हैं, अंकुरित चाट ले सकते हैं, भुने हुए मखाने ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, और आप कोई भी ग्रीन टी वगैरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा जो उपाय करें, सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूर रहें। देखिए, शुद्ध कार्बोहाइड्रेट वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनसे लाभकारी पोषक तत्व और फाइबर निकाले जा चुके होते हैं, तो रिफाइनिंग प्रक्रिया से भोजन पचाने में आसानी रहती है, जिससे आवश्यकता से अधिक खाने और कुछ बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा आपके खाने में सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो ना के बराबर हों। इसके लिए आप मैदे की बनी हुई रोटी, सफ़ेद चावल, सफ़ेद ब्रेड, पास्ता, चीनी और शहद की मात्रा कम से कम लें। इनकी जगह अगर आप साबुत अनाज लेते हैं, चोकर वाला आटा लेते हैं, भूरे चावल लेते हैं, काले चावल या मिक्स अनाज की रोटी लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसमें आप ज्वार या बाजरा या फिर रागी आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा आपको उपाय करना है, आप प्रोटीन अवश्य लें। देखिए, प्रोटीन धीरे डाइजेस्ट होता है तो हमें पेट ज़्यादा देर तक भरे हुए रहने का एहसास होता है। ऐसे में हमारे शरीर में मांसपेशियां बनाने और जो मरम्मत है उसका भी काम होता है। इसलिए आप अपने भोजन में दाल, राजमा, छोले, लोबिया, दही, पनीर, अंडा, चिकन आदि शामिल कर सकते हैं। यदि भोजन से ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही तो आप डॉक्टर से पूछ के कोई प्रोटीन सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उत्तम प्रकार की वसा का सेवन करना होगा। इसमें जैतून या फिर सरसों या सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बादाम, अखरोट या सूरजमुखी के बीज या कद्दू के बीज भी आप उत्तम प्रकार से ले सकते हैं। इसके अलावा मछलियां और मछली का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइबर की। देखिए, आपको अगर वजन कम करना हो, फाइबर की मात्रा आपको बढ़ानी होगी, और ऐसे फाइबर की मात्रा आप बढ़ाएं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, विशेष रूप से पेट भरे हुए रहने का एहसास जिनसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो भी पेट की समस्याएं हैं, जैसे पेट में ऐंठन होना, सूजन होना, दस्त लगना आदि भी आपकी इस समस्या जो है उनसे कहीं ना कहीं वो दूर हो जाएंगी। इसके अलावा भोजन में सलाद, साबुत अनाज, अलसी के बीज ले सकते हैं, इसबगोल ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां और रेशेदार फल आप ले सकते हैं। इसके अलावा अधिक से अधिक फल और सब्जियां खाने से आपका जो वज़न है वो तेज़ी से कम होगा, क्योंकि फल और सब्जियाँ ये बहुत ही अच्छे सहायक पदार्थ हो सकते हैं। इनमें पानी और पोषक तत्व, साथ में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। इनमें बहुत कम एनर्जी डेंसिटी होती है, जिससे बिना ज़्यादा कैलोरी का सेवन किए इन्हें अधिक मात्रा में खाना संभव होता है। साथ ही खाने के साथ आपको बुरी आदतें छोड़नी होंगी, जैसे खाने के बाद मीठा खाने की आदत बदलें, खाने के साथ जूस या फिर कोल्ड ड्रिंक लेने से बचें, देर में
अगर आप खाना खाते हैं तो देर रात खाना खाने से बचें। इसके अलावा आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। वजन कम करने के लिए जो मल्टीविटामिन होते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा आप वाटर रिटेंशन कम करने के लिए आप पानी, जैसे पानी की जगह पानी में खीरा, नींबू या लेमन ग्रास या अदरक के टुकड़े डालकर रख सकते हैं। इसके अलावा वजन घटाने के लिए आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। कॉफ़ी स्वास्थ्य के लिए वैसे अच्छी होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और अन्य यौगिक भी होते हैं जो हमारी फैट को बर्न करने में मदद करते हैं। साथ में आपका, अगर आप खाना धीरे धीरे खाएंगे तो आपका जो वजन है वो घटेगा। अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो शरीर ये संकेत देने लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरी खा चुके हैं, जिससे आपके मोटे होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में खाने के बाद अपने दांतों को साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने दांतों में ब्रश करते हैं, जो भोजन करने से पहले नाश्ते या खाने की इच्छा को सीमित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लोग अपने दांतों को ब्रश करने के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं। अब वजन कम करने के लिए आपको चीनी के सेवन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, हम बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा चीनी खाने से हृदय रोग या टाइप 2 डायबिटीज या फिर कैंसर आदि का खतरा हो जाता है। लोग औसतन लगभग 15 ग्राम या यूँ कहें कि 15 चम्मच चीनी ज़्यादा खा लेते हैं। इतनी मात्रा में आमतौर पर विभिन्न जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनमें ही चीनी पाई जाती है, इसलिए आप बिना गौर किए किसी भी प्रकार से चीनी का सेवन कर लेते हैं तो आपको चीनी की जो मात्रा वो कम से कम रखनी होगी। इसके अलावा आप स्वस्थ भोजन और स्नैक्स खाने से अपने वजन को कम कर सकते हैं। जैसे दही ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, भुना हुआ चना, या फिर आप ग्रिल किए हुए पनीर और उबले हुए अंडे का सेवन भी कर सकते हैं। अब आपको वजन कम करने के लिए अपनी जो दिनचर्या है उसको भी बदलना होगा। उसमें भी आपको कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे नियमित रूप से आपको व्यायाम करना चाहिए। लंबे समय तक बैठना एक स्मोकिंग के ही बराबर है। किसी भी स्थान पर 2 घंटे से ज़्यादा न बैठें, विशेषकर सर्दियों में तो बिल्कुल भी ना बैठें। पूरे दिन में आप एक्टिव रहें, अपने पसंदीदा खेल जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन वगैरह, रनिंग करना, टेनिस आदि खेल सकते हैं। इससे आपका वजन बहुत जल्दी कम होने लगेगा। इसके अलावा देखिए, आप अपना वजन कम करने के लिए योग कर सकते हैं। योग आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, और आप ध्यान कर सकते हैं यानी मेडिटेशन कर सकते हैं। साथ में आप छोटी प्लेट में भोजन करें। अगर आप छोटी प्लेट में खाना खाते हैं तो आपको छोटी प्लेट से पेट भरा हुआ होने के एहसास ज़्यादा जल्दी होने लगता है, और साथ में छोटी प्लेट में आपको खाना ज़्यादा लगने लगता है। इसके साथ ही आपका जो वजन है उसका आप रिकॉर्ड रखेंगे तो आपके लिए ये और भी अच्छा रहेगा। पर्याप्त नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो भी आपका वजन बढ़ सकता है। साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव होना चाहिए, और आपको सकारात्मक अपनी थिंकिंग अपनी जीवन शैली के प्रति रखनी चाहिए। इसके अलावा आप कुछ और आदतें जिनको बदल सकते हैं, जैसे आप ओवर ईटिंग से बचें, एक बार में बहुत सारा खाना ना खाएं, चीनी, गुड़, शहद, मिठाई या ऐसी जो चीज़ें हैं उनमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको मीठा खाने का मन हो तो आप फल खा सकते हैं, कोई मीठा फल ले सकते हैं। इसके अलावा शराब का सेवन ना करें और जंक फूड तो बिल्कुल भी ना खाएं। इसके अलावा स्मोकिंग करते हैं तो जल्दी से जल्दी बंद कर दें, और लंबे समय तक बैठे नहीं। इसके अलावा आप खाना खाते समय अपने गैजेट्स से दूर रहें। तो फिलहाल ये उपाय अपनाकर आप अपने मोटापे को बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही।